श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको ये बताएंगे कि अंडर आर्म के पसीने से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। पसीने की बदबू आपको शर्मिंदा कर सकती है। अगर आपके अंडर आर्म में ज्यादा पसीना होता है तो इसका उपचार जरूर करें, नहीं तो लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। कई बार जब ये कपड़े पर दाग छोड़ देता है तो भी यह बहुत शर्मिंदगी भरा होता है, लेकिन अगर आप कुछ आसान उपचार अपनाएंगे तो आप बहुत देर तक अंडर आर्म के पसीने को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए हम आपको अंडर आर्म के पसीने से बचने के उपाय के बारे में बताते हैं। बेकिंग सोडा आप ले सकते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर पानी के साथ मिलाकर अपने अंडर आर्म और शरीर पर लगा लें। इसके बाद उसे साफ तौलिए से पोंछ लें। बेकिंग सोडा का आप डियो लगाने के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। डियो स्प्रे करें और फिर उसके ऊपर से थोड़ा बेकिंग सोडा लगा लें। आपको साफ सफाई का ख्याल रखना है। अपने अंडर आर्म को साफ सुथरा रखें, इससे पसीने को रोकने में बहुत मदद मिलती है। इससे पर्सनल हाइजीन होती है और आपकी त्वचा भी संक्रमण और बीमारी से बचती है। जब भी कपड़ा पहने तो उससे पहले अपने अंडर आर्म को सुखा लें, इससे कम पसीना आएगा। आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं या कर सकती हैं। नहाने के बाद अपने आर्मपिट पर खीरे का स्लाइस रगड़ें। खीरे में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि शरीर से बैक्टीरिया का नाश करके बदबू को आने से रोकता है। आप अपने आहार पर ध्यान दीजिए। गर्मियां शरीर को बुरी तरह प्रभावित करती है। इस मौसम में पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। सर्दियों में ताजा और हल्का भोजन करें, गर्मियों में आप ताजा और हरा हल्का भोजन कीजिए। खीरा, पुदीना, संतरा, तरबूज, मौसमी, इन सब चीजों का सेवन करें। ये प्यास बुझाने वाले होते हैं क्योंकि इसमें सोडियम और कैलोरी की मात्रा जो होती है वो काफी कम होती है और एंटीऑक्सीडेंट होती है। कैल्शियम और विटामिन ए की मात्रा काफी होती है। ये सब मिलकर इन्हें अच्छे ठंडक देने वाले भोज्य पदार्थ बना देते हैं। इसके अलावा दही और छाछ भी शरीर को बहुत ठंडक प्रदान करती है। सेब का सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सेब का सिरका नहाने से पहले सेब के सिरके को अपने बगल में 30 मिनट के लिए रोजाना लगाएं, फिर हल्के साबुन से धो लें। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए इसे रात को सोने से पहले लगा लीजिए। फिर नींबू है। नींबू के प्रयोग से पसीने को दूर रखने में बहुत मदद मिलती है। हालांकि इस तरीके से आप अपने काले पड़ चुके आर्मपिट का रंग भी निखार सकते हैं। फिर कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हमेशा लाइट कॉटन पहने। आप जो कपड़ा पहनते हैं कभी कभी वह आपको पसीना दे सकता है, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि लाइट फैब्रिक जैसे कॉटन यदि ही पहने। यह नमी को तुरंत ही सोख लेता है। आप पानी ज्यादा पीजिए। गर्मियों में पानी कभी भी ज्यादा पीना चाहिए, इससे पसीने की बदबू कम आएगी और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।